अस्सलामुअलैकुम क्लास सेवन, आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 107-108 पे जो आइडेंटिटीज गिवन है उनके प्रूफ को आपको मैं समझाऊंगी। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, एक जो प्रूफ है, बाकी आप लोग अपनी जो है बुक क्या ही पेज नंबर है इनके ऊपर ये सारे गिवन है। आप लोगों ने इसको अपनी वर्कशीट जो लूज वर्कशीट्स हैं उनके ऊपर, लूज शीट्स के ऊपर आप लोगों ने इसको सॉल्व करके सबमिट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने किस तरह से आपको मल्टीप्लाई के बाद, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, पहले इस बायनोमियल के जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ पूरी सेकंड बायनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एज इट इज हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस बी से, और फिर प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस बी के साथ, ठीक है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, और एक्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे प्लस ए को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया ए एक्स, और ये प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पर अब इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक्स कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स, एक्स को मैंने बाहर कॉमन दे दिया, ठीक है, प्लस ए बी। अच्छा, ये ए बी प्लस ए हो रहा है, तो इसको अगर मैं ए को पहले ले आती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे भी तो प्लस ही है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, इसको ए प्लस बी एक्स इज प्लस ए बी, तो हमारे पास ये आ गई ये गिवन आइडेंटिटी जो उन्होंने इक्वेशन का प्रूफ हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। उसको प्रूफ करके बता दिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। इसी तरीके से अब यहाँ पर आइडेंटिटी टू देखें, आइडेंटिटी टू में आ रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर उसका नीचे प्रूफ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे ये देखिए, ए प्लस बी को ए प्लस बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई किया ए को पहले ए प्लस बी से किया, फिर बी को किया, वो सारा सोल्यूशन आ गया। ये यहाँ पर आप सारा इसको सॉल्व करके देख सकते हैं नीचे आंसर गिवन है। इसी तरह आइडेंटिटी थ्री भी हमारे पास आ रही है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब ये होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके यहाँ पे सारे सोल्यूशन गिवन है, ठीक है। इसको यहाँ से देख के कर लें मैं इसका 8.5 का। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी 4 है, आइडेंटिटी 1 मैंने सॉल्व कर दी थी, आपको मैं आइडेंटिटी 4 भी सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है, ये भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ आइडेंटिटी 3 सॉल्व कर देती हूँ, आइडेंटिटी 4 भी बहुत ईजी है, 3 मैं आपको सॉल्व करके एक दफ़ा बता देती हूँ इसका प्रूफ, बाकी आप लोग खुद भी उसको कर सकते हैं वहाँ से देख के। मैं फिर आपको 8.5 के क्वेश्चंस करवाती हूँ जी। आइडेंटिटी 3 है हमारे पास आ रही है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। प्रूफ इसका ये है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, इसका स्क्वायर आ रहा है ऊपर, मतलब ये इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, जब स्क्वायर आ रहा होता है तो ऐसे ही होता है ना, उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो जब बायनोमियल का स्क्वायर है मींस बायनोमियल को उसी बायनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे।
और ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर बी की पावर वन। लाइक चार्ज होती है, आपको मैंने बताया था सेम वेरिएबल होते हैं उनको हम लाइक चार्ज बोलते हैं। लाइक चार्ज होती है तो उनके जो एक्सपोनेंट है उनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जब कोई भी नंबर डिवीजन जो वन होता है, ठीक है, वन ए बी और ये भी वन ए बी, दोनों के साथ सेम साइन आ रहे हैं, सेम साइन आ रहे हैं, सेम वेरिएबल है, मीन्स हम इनको ऐड कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, ए बी उसी तरह से साथ प्लस बी स्क्वायर होगी राइट हैंड साइड, ठीक है। ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, तो प्रूफ हो गया हमारे पास यहाँ पर। इसी तरह से आइडेंटिटी फोर भी है, तो आपको सब समझ आ गई कि अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 का 8.5 एक्सरसाइज। 8.5 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना, क्वेश्चन नंबर 1 के करेंगे 1-5 पार्ट्स। एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर है सिंप्लीफाइड द फॉलोइंग बायनोमियल by using the identity. The identities आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। x plus 1 into x plus 2, ठीक है। x plus 1, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी जो हम लोगों ने आइडेंटिटी 1 की थी, a plus b x plus a मल्टीप्लाई बाय x plus b, ये थी ना हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी जो मैंने आपको प्रूफ भी करके बताई थी। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, x प्लस a की जगह पे 1 आ गया, ठीक है, और b की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया by using identity 1, ठीक है। वो कौन सी आइडेंटिटी थी, यहाँ पर मैं वो आइडेंटिटी भी लिख देती हूँ, x प्लस a इंटू x प्लस b is equal to x square plus a plus b x plus a b, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास a क्या आ रहा है 1 और b क्या आ रहा है 2, ठीक है, मैंने वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x plus 1 into x plus 2, हम उसी तरीके से वहाँ पर नंबर्स को लगा देते हैं। सबसे पहले जैसे आइडेंटिटी में यहाँ पर था एक्स के, सेम वही किया, ए प्लस बी की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास 2 है, तो 1 प्लस 2 एक्स, ठीक है, और ए बी, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स के प्लस 2 प्लस 1 इज 3x प्लस 2 1 2, ये आंसर आएगा। समझ आइए क्वेश्चन को, अगेन मैं आपको एक दफा समझा देती हूँ। क्वेश्चन की वजह x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पर हमने क्वेश्चन रीराइट किया, क्वेश्चन को देखा और मुझे याद, आप लोग जब आइडेंटिटीज को प्रूफ करोगे तो आपको वो याद भी करनी है, ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी 1 है, इसको देख के मुझे पता लगा कि यहाँ पर हम आइडेंटिटी 1 यूज करेंगे। आइडेंटिटी 1 क्या थी, x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b, हमने वहाँ पर
बजाय वो पूरी कैलकुलेशन करने के जैसे पहले आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की थी उस तरह से करने के, हमने जस्ट वो आइडेंटिटी लिखनी है, वहाँ पे वैल्यूज लगाने और उसको सॉल्व कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। अच्छा जी, हमारे पास देखो आइडेंटिटी 1 जो आ रही है वहां पर हमारे पास पहली दोनों बायनोमियल पर पहली टर्म x आ रही है, सेकंड टर्म a और b आ रही है, लेकिन वो प्लस में आ रही थी, यहाँ पर माइनस में आ रही है, यहाँ पर भी अप्लाई होने वाली आइडेंटिटी हो। ठीक है, हमने यूज वही करनी है। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि उसको कैसे करेंगे। बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। जी, अब हमारे पास यहाँ पे ए क्या आ रहा है, माइनस 2। ठीक है, ए क्या आ रहा है, माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस आना था ना, तो यहाँ पे ये माइनस 2 आ गया। और बी क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस 4 एक्स एस एक्स। यहाँ पर अब कर लेते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू फर्स्ट उसी तरह से है एक्स स्क्वायर प्लस साइन बाय माइनस 2 माइनस 4 एक्स, यहाँ पर फिर प्लस साइन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। ए भी हमारे पास माइनस 2 और माइनस 4 है, इसलिए मैंने वहां पर वो वैल्यूज लगा दी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस लगाऊंगी, 4 और 2 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे 4 प्लस 2 6, तो ये माइनस 6 हो जाता है एक्स, 2 4 8 और माइनस माइनस प्लस प्लस 8 हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस और ये माइनस, माइनस 6 एक्स प्लस 8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये समझ आ गई अच्छे तरीके से आइडेंटिटीज को लगाना है, सारी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है और वैल्यूज उसकी फाइंड करके वैल्यूज को अप्लाई कर लगा देना, आइडेंटिटी में वैल्यूज लगा के उनको सॉल्व कर देना। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड भी सेम आइडेंटिटी 1 का ही आ रहा है, ये है ए प्लस 5 इंटू ए प्लस 3। ठीक है, ये भी हमारे पास वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पे एक्स हमारे पास ए हो गया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ए प्लस 5 इंटू ए प्लस 3 बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। a into x plus b is equal to x square plus a plus b x plus a। यहाँ पर हमारे पास x क्या है, a, और a यहाँ पर आ रहा है 5 और b यहाँ पर आ रहा है 3। Now we write a plus 5 into a प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, a है ना x की वैल्यू, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a हमारे पास क्या था 5 प्लस 3 और यहाँ x की जगह a प्लस 5 इंटू 3 a स्क्वायर
सो सिंपल इजी है, बस वैल्यूज अप्लाई करते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है बी प्लस 6 इंटू बी माइनस 9. बी प्लस 6 इंटू बी माइनस 9, यहाँ पर भी हमारी सेम आइडेंटिटी यूज होगी. आइडेंटिटी वन, जब हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल है वो सेम आते हैं लेकिन सेकेंड टर्म के अंदर दोनों नंबर डिफरेंट हो जाते हैं तो वहां पर आइडेंटिटी वन ही यूज होगी. ठीक है, बी प्लस 6 इंटू बी माइनस 9, यहां पर बाय यूजिंग आइडेंटिटी वन बी प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. आइडेंटिटी हमारे पास ये वाली है ना, इसलिए मैं यही वाली आइडेंटिटी लिखूंगी. एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए. यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या आ रहा है बी, और ए हमारे पास क्या आ रहा है प्लस 6, और बी हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 9. यहाँ पर हम ओवर की वैल्यूज लगा देंगे, बी प्लस 6 इंटू बी माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए प्लस बी की जगह प्लस 6 माइनस 9, एक्स की जगह पर बी आ गया प्लस प्लस 6 इंटू माइनस 9. ठीक है, सिंपल रेशन, जहाँ पे ए बी की वैल्यूज है वहाँ पे वही वैल्यूज विद साइंस लगा दी जा रही, और एक्स की वैल्यू जो है वो लगाई गया और उसको सॉल्व कर लेंगे. ये हो गया बी स्क्वायर. 9 में से 6 माइनस करेंगे ग्रेटर वैल्यू 9 है, 9 डिफरेंट साइन होते हैं तो डिफरेंट साइन को हम सेपरेट करते हैं. 9 में से 6 सेपरेट करेंगे तो 9 में से 6 सेपरेट किए 3, और ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस साइन था तो यहाँ पे मैंने माइनस 3 बी प्लस 6 9 जा 54 प्लस और माइनस माइनस 54, जो बाहर वाले साइन है मैंने वो पहले लगे रख दिया और उनको ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको पता लगे हम साइन कैसे चेंज करते हैं. यहाँ पे प्लस और माइनस हो गए तो माइनस 3 भी हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस 54. ठीक है, ये आंसर हो गया. आप लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करोगे. ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डू होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.5 फिफ्थ पार्ट. ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है. ओके, आपको सारे समझ आ गई होगी. ठीक है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी. ओके, अल्लाह हाफिज़.